तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप एक छोटी सी क्लिप देख लीजिए, इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका ऑक्सीजन लेवल कितना है, आप स्वस्थ हैं या नहीं। हेलो दोस्तों, देख पा रहे हैं आज कोरोना महामारी में आज पूरा विश्व परेशान है और ऑक्सीजन की किल्लत आप देख ही पा रहे होंगे। तो मैं आज आपके सामने एक टिप लेके आया हूँ जिससे आप पता कर सकते हैं कि आपका ऑक्सीजन लेवल कितना है। तो आपके सामने फिगर दिख रहा होगा, ए और बी के बीच की दूरी के बीच में आपको ऑक्सीजन यानी कि लेना है और छोड़ना है। ऐसा दिन में आपको 3 से 4 बार करना है। इससे आपको पता चल सकता है कि आपका ऑक्सीजन लेवल कितना है और कैसे आप मेंटेन कर सकते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। अगर आप नए हो चैनल पर तो मैं आपको बता दूं, आई वाज कोविड पॉजिटिव और पिछले 1 महीने से मैं इसे लड़ रहा हूं। वैसे तो मेरी रिकवरी हो चुकी है बट कुछ इश्यूज बाकी हैं जिनको थोड़ा टाइम लगेगा, 3 से 4 महीने भी लग सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि हाफ नॉलेज बहुत डेंजरस होती है। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा और सीखिएगा वीडियो से देख करके कि मैंने क्या क्या गलतियाँ की हैं जिनसे आप सीख सकते हैं, खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं एंड अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो मुझे ये इन्फेक्शन कहाँ से हुआ मुझे अभी भी नहीं पता। मे बी मैंने कोई इन्फेक्टेड सरफेस को छुआ हो, या आप लोग देख ही रहे थे मेरी पिछली वीडियोज़ में, मैं जो दिल्ली में बना रहा था उनमें मेरा मास्क नीचे आ रहा था बार बार और मैं ऐसे उसको हाथ से मतलब ऐसे टच करके ऊपर कर रहा था तो नोज़ पे बार बार, और मेट्रो में भी सफ़र कर रहा था मैं, मतलब डेली ट्रैवलिंग करता था। और मेरे दिल्ली की वीडियो जो आपने देखी होगी मार्केट की, तो उसमें भी मैंने मतलब जो भी वहाँ पे प्रोडक्ट्स थे, जो भी मतलब वहाँ पे चीज़ें थी, मैं ऐसे ही उनको टच कर रहा था। तो मैं भी वहाँ से भी हो सकता है, मुझे अभी भी क्लियर नहीं है मतलब कहाँ से मुझे ये वायरस हुआ है, कहाँ से मुझे इन्फेक्शन हुआ है। मे बी मैं श्योर नहीं हूँ किसी चीज़ को लेकर के, बट मैं बताऊँ आपको मुझे स्टार्टिंग कहाँ से हुई। तो मैं मतलब एक दिन मैं सुबह सुबह बिस्किट खा रहा था तो मुझे मतलब कुछ ऐसा लगा कि कुछ अटका हुआ है गले में, मतलब कुछ ऐसा लगा कि मुझे यहाँ से कुछ अटका हुआ है। तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया उस चीज़ पर, तब तक मैं गुड़गांव ही था भाइयों के पास, आप देख ही रहे थे मैं मतलब व्लॉग्स डाल ही रहा था। तो फिर मैं मुझे लगा और नेक्स्ट डे फिर मुझे लगा कि यार मुझे ना कुछ स्मेल और टेस्ट बहुत कम आ रहा है। तो फिर मुझे लगा, तो फिर मैं मतलब वहाँ से मैंने चाचू को फ़ोन किया। मेरे चाचू जो हैं हॉस्पिटल में डॉक्टर के साथ काम करते हैं, मतलब डॉक्टर के साथ रहते हैं वो, कल्पना चावला मेडिकल हॉस्पिटल है करनाल में वहाँ पे। तो मैंने अपने चाचू को फ़ोन किया तो चाचू ने बोला ये कोविड का ही सिम्टम्स है। तो उन्होंने बोला कि तू आ जा और अपना टेस्ट करा ले सीधा आते ही। तो मैं वहाँ से सीधा आया करनाल, फिर करनाल आते ही मैंने अपना टेस्ट कराया। तो मुझे मतलब लग चुका था, चाचू ने बोल दिया था कि तू घर पे जाएगा अभी, मैं सीधा हॉस्पिटल गया था। तो हॉस्पिटल से घर, तो फिर टेस्ट करा के अपना आया, तो मैं घर पे आइसोलेट हो गया था आकर के। तो फिर मैं नेक्स्ट डे मतलब डॉक्टर की मेरे पास कॉल आ गई कि आप कोरोना पॉजिटिव हैं, तो मुझे पता तो था ही। तो फिर मेरे को घर पे मतलब डॉक्टर्स की टीम आ गई थी, तो मुझे वो टैबलेट वगैरह पीसीएम दे दी थी और जो भी मतलब ये विटामिन सी कैल्शियम की जिंक वगैरह ये सब कुछ मुझे दे दिया था, टैबलेट्स वगैरह दे दी थी। तो मैं इनको रेगुलर ले रहा था और स्टीमिंग कर रहा था मैं, स्टीमिंग भी 3 से 4 बार दिन में ले रहा था। और नीम का काढ़ा प्लस भाई तुलसी गिलोय पता नहीं क्या क्या है यार, गांव में बहुत कुछ मतलब पिए जा रहा था मैं तो। पर मुझे मेरा मतलब ये था कि 100% लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल 100% जा चुका था। मुझे किसी भी चीज़ में मतलब 1% भी ना बैड स्मेल आ रही थी ना गुड स्मेल आ रही थी, मतलब कुछ भी नहीं मुझे पता चल रहा था, ना टेस्ट का पता चल रहा था, ठीक है। तो वहाँ खट्टे में पता चल रहा था मुझे, नींबू का पता चल रहा था। जो फिर मैंने धीरे धीरे रिकवरी करना स्टार्ट किया, मतलब दवाई वगैरह मैंने स्टार्ट की, 7 दिन मुझे 7-8 दिन में मतलब मेरा टेस्ट वापस आ गया था बिल्कुल। तो फिर मैंने दवाई वगैरह ली, फिर मैं मतलब तब तक होम आइसोलेट ही था मैं तब तक। तो फिर मैंने चाचू को कॉल किया, डॉक्टर मेरे पास कॉल करते रहते थे। और आपको बता दूं यार, बीच में मतलब एक बार प्रॉब्लम भी हो गया था ऑक्सीजन का, पापा ने बोला कि ऑक्सीजन सिलेंडर मंगवा लेते हैं घर पे, तो मैंने बोला नहीं यार ऑक्सीजन मतलब फिर ज़्यादा हो जाएगा। तो फिर मुझे भी सबसे मेन बात तो यार पैनिक नहीं होना है यार अब, और फिर अपने आप को खुद को बिजी रखना है। मोबाइल फ़ोन तो है ना सबके पास, तो बस यार खुद को किसी ना किसी चीज़ में बिजी रखो और मतलब फेस का स्माइल रखोगे तो
घर वाले भी मतलब खुश रहेंगे कि ये ठीक है, तो मतलब सब कुछ ठीक रहेगा यार, ठीक है। और इतना घबराने की बात नहीं है, ठीक भी हो रहे हैं लोग। कभी तुम सोच रहे हो कि यार किसी को हो गया, अगर किसी को भाई को हो रखा है तो मतलब इतना मत घबराना है, पैनिक नहीं होना है भाई, कुछ भी नहीं है। मैं भी ठीक हो चुका हूँ, आप भी ठीक हो जाओगे, सब ठीक हो सकते हैं यार। हाँ, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम है जिनको ऑलरेडी कोई मतलब पहले से कुछ ना कुछ, जैसे शुगर वगैरह के, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, तो उनको थोड़ी प्रॉब्लम है हो सकती है, क्योंकि उनकी बॉडीज पहले इम्यूनिटी बहुत कम है, उनकी बॉडीज पहले वीकनेस है। तो भाई डरने की कोई बात नहीं है, पैनिक नहीं होना है सबसे मेन तो, ठीक है। और जो मैंने अपना टेस्ट कराया था वो 24 अप्रैल को कराया था, तो उसके बाद ही मैं आइसोलेट था, घर पर ही क्वारंटाइन था। तो अब 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है मुझे, मतलब अब मैं प्रॉपर ठीक हूँ। फिर मुझे 17 दिन बाद दोबारा डॉक्टर की कॉल आई, तो उन्होंने पूछा कि कोई कुछ मतलब प्रॉब्लम तो नहीं है ऑक्सीजन वगैरह की या टेस्ट और स्मेल। हाँ, डॉक्टर ने मुझे सीधा बोल दिया था कि टेस्ट और स्मेल आपका रिकवर होने में थोड़ा टाइम लग सकता है। मैंने बोला डॉक्टर कि टेस्ट तो मेरा 100% आ चुका है, बट स्मेल में थोड़ा प्रॉब्लम थी। तो बता दूं आपको, 3-4 दिन से मुझे कुछ स्मेल भी आ रही है। अब मुझे लग रहा है कि 50% स्मेल मेरी रिकवर हो चुकी है, 50% अभी पेंडिंग है। कोई नहीं यार, वो भी धीरे धीरे हो जाएगी, पर ये है कि भगवान की दया से बच चुके हैं यार। अब तो वैसे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है मुझे, स्मेल का है थोड़ा सा 50%, वो आराम आराम से आ जाएगी, डॉक्टर ने मुझे बोला है। दवाइयाँ मेरी सब बंद हो चुकी हैं, डॉक्टर ने बोला है अगर आपको लगता है थोड़ा मतलब थोड़ा रहेगा सिम्टम्स वगैरह, ये मतलब कोरोना तो चला गया है यार, वायरस तो चला गया है, वो तो 14-15 दिनों में चला जाता है, ठीक है। 7 से 14 दिन के बीच में जो जंग लड़ गया तो समझ लो वो जीत गया। तो भाई वायरस तो चला गया, बट वो जो इंटरनली इफेक्ट जो डाल के गया है ना, उसको रिकवर होने में थोड़ा टाइम लगेगा। पर मेरा ये है कि जल्दी रिकवर कर लिया मैंने, सब कुछ फिट है एकदम, और सुबह वॉकिंग पे भी जाता हूँ आजकल तो मैं। तो भाई इसको बता दूं आप लोगों को, इसको सीरियसली लें यार, कभी मजाक में समझ रहे हो कुछ नहीं है कोरोना ये वो, वैसे ही कुछ भी नहीं है देख रहा हूँ मैं आजकल। और न्यूज़ तो देखो ही मत यार, क्योंकि न्यूज़ आजकल जो देख रहे हैं ना, खुद ही गैस करना पड़ता है कि यार हाँ ये टीवी पे ये आ रहा है तो मतलब ऐसा चल रहा है, तो ये खुद ही गैस करना पड़ता है कि ऐसा हुआ होगा। जो एंकर बोल रहे हैं उनका सबको ही पता है क्या चल रहा है आज के टाइम में, क्या नहीं चल रहा है, ठीक है ना। तो भाई इसको सीरियसली ले यार, आई रिक्वेस्ट यू गाइस, तो प्लीज़ इसको सीरियसली ले। और आपको बता दूँ यार, मेरे फूफा जी को भी कोविड पॉजिटिव थे, वो भी 1 महीना वेंटिलेटर पर गुजारा उन्होंने। उनसे पूछ के देखो यार कोविड है या नहीं है, क्या होता है कोविड, जान की कीमत क्या होती है। और आपको बता दूं यार, एक हमारे अंकल हैं, मतलब उनको मतलब कोविड हुआ था, उनकी रिपोर्ट भी नेगेटिव आ गई थी, देन उसके बाद उनको यार फिर एकदम से पता नहीं क्या हुआ, तो फिर उनकी डेथ हो गई यार। अब मतलब बहुत यार अफसोस हुआ यार, इतने अच्छे थे यार, मतलब पता ही नहीं चल रहा यार कब क्या हो जाता है, कब क्या नहीं हो जाता है। और आजकल तो आप देख ही रहे हो यार, न्यू सिम्टम्स आ रहे हैं, ब्लैक फंगस, वाइट फंगस, येलो फंगस, पता नहीं कौन कौन से फंगस आ गए हैं यार, पागल बना रखा है यार। तो प्लीज़ गाइज, खुद का ध्यान रखो, अगर खुद का ध्यान रखोगे तो अपनी फैमिली को फैमिली का ध्यान रख पाओगे, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर पाओगे। और प्लीज़ मेरी तरह मतलब ऐसी गलतियां मत करो यार, क्योंकि मैं दिल्ली में था ना जब वीडियोस बना रहा था, आप लोग देख ही रहे थे, मेरे बैग में मतलब सैनिटाइजर पड़ा होता था, ग्लव्स भी पड़े थे। तो मैं मतलब वहां पे जो मतलब चोर बाजार की मैंने वीडियो बनाई थी, तो वहां पे मतलब मुझे ग्लव्स पहनना चाहिए था। तो मतलब ये मेरे मतलब गलतियाँ हैं ना, ग्लव्स पहनना चाहिए था वहाँ पे, जो भी मैं टच कर रहा था ग्लव्स पहन के टच करना चाहिए था उनको, और सैनिटाइज करना चाहिए था। मतलब बैग में पड़ा था यार आलस के, कौन निकाले अब, कौन सैनिटाइज करे, मेट्रो में जा रहे हैं वहीं से ले लेते हैं, 2 प्रसादा बस, ये ऐसे ही चल रहा था। तो प्लीज़ गाइज आप ध्यान रखिएगा अपना और अपनी फैमिली का। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, अपने भाइयों के पास, बहनों के पास, और वीडियो को लाइक कीजिएगा। और मिलते हैं गाइस बहुत जल्दी नई वीडियो के साथ, नई व्लॉग्स के साथ, नई जोश के साथ। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।